Hey guys, good morning. तू यहाँ क्या कर रहे है? वहाँ चल अपने भाइयों के साथ. Good. ये मैं अपने लिए बना रही हूँ अभी ग्रीन टी. नया लाइटर देखा आपने? देखा नया लाइटर? तब्दीली आ गई जिंदगी में मेरी. ग्रीन टी, कहाँ हो तुम? ग्रीन टी, ओ ये उबल जा भाई. क्या हो गया तुझे? क्या हो गया यार? ये वाली ना मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, तो अगर आप लोग कर चुके हो तो बताना कैसी है. मतलब कल ट्राई की थी, टेस्ट तो मुझे पता चल गया, बट रिजल्ट कैसे है ये नहीं पता. चलो जी. मैं तुम्हें फेंकने जा रही हूँ. क्या तुम्हें स्विमिंग आती है? नहीं आती तो है, तैर तो रही है, कहाँ डूबी झूठी. यहाँ मैं इंजॉय करूंगी अपनी ग्रीन टी. बाय द वे, यहाँ पे जो कारपेट लगा था ना वो हटा दिया, उसको चेंज करके दूसरा लगा दिया है. पापा कह रहे थे कि वो थोड़ा बोरिंग बोरिंग सा लग रहा था, तो अभी ऐसा कर दिया है कुछ. ग्रीन टी मेरी खत्म हो गई है यार. फोन मैंने चार्जिंग पे लगा दिया. मैं नहाने जा रही हूँ, उसके बाद मिलती हूँ. एक्चुअली मैं आधे घंटे बाद नहाने जाऊंगी, अभी नहीं जा रही, क्योंकि मैंने अभी अपने बालों में लगाया है अंडा और मैं अभी खुद एक अंडा लग रही हूँ, वो भी सड़ा हुआ अंडा. तो मैं अभी अपनी शक्ल तो नहीं दिखाने वाली. क्या बोलते हो, दिखा दूँ क्या? दिखाऊ दिखाऊ? नो. हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल. वेल, जब मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था तो सुबह का 1 बज रहा था, और अब जब मैं व्लॉग में दोबारा आई हूँ नहा धो के तो 6 बज रहा है. इसका मतलब ये नहीं है कि मैं 5 घंटे नहा रही थी, इसका मतलब ये है कि मैं नहाने थोड़ा सा लेट गई थी और थोड़ा धीरे धीरे आराम आराम से सारी चीज़ें कर रही थी. लेज़ी हो भी थी थोड़ा सा, क्योंकि अभी मुझे कुछ दिन नमाज भी नहीं पढ़नी है, तो मैंने आराम आराम से सब कुछ काम किया, यू नो. ये है मेरा इवनिंग, जो भी बोलते हैं. इसे खाने से पहले, दोपहर में नहाने से पहले 2 रोटी खा चुकी हूँ, तो ये मैं सोचना कि मैं डाइट के नाम पे इसी पे जी रही हूँ. रोटी भी मैं खाती हूँ. गाइस ये देखो यार, कितना छोटू सा है, अभी अभी पैदा हुआ है लग रहा है ये. मैं इसे खाऊं या नहीं खाऊं, मैं कंफ्यूज हो रही हूँ. छोटू छोटू छोटू, खा लेती हूँ. आज मैंने अपने बालों में लगाया था अंडा, बट मैंने सिर्फ व्हाइट पार्ट लगाया था, तो मेरे बालों में से स्मेल बिल्कुल भी नहीं आ रही है. मैं आ गई मम्मा के रूम में. एक्चुअली मैं अपना जो भी खा रही थी वो खा के मेरी आँख लग गई, तो मैं सो गई थी आधा घंटा. और जब मैं उठी ना तो एकदम मेरे आईज में और यहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो अभी मैं अंडे खाऊंगी, चाय वाय पीऊंगी, गरम पानी पीऊंगी, ग्रीन टी पीऊंगी, उसके बाद आपसे मिलूंगी. ये रही मेरी चाय जो अभी मैंने खत्म की है, थोड़ी सी बच गई है, और ये अंडे है 2. कटोरे में रखते हैं. जब तो मुझे नींद आ गई, देख अब मेरा तो कटोरा. मम्मी खाला से बात कर रही हैं. पापा बाहर कार धो रहे हैं, ये रहा पूरा पाइप, क्योंकि मैं जा रही हूँ कल मेरठ. हाँ फिर से जा रही हूँ, हम वेल हैं, हम जाते रहते हैं. निकलो जल्दी यहाँ से. भगा रही है ब्लॉग के चक्कर में. मैं इतनी देर से ब्लॉग करने की सोच रही हूँ, कचर 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 फोन पे बातें चले जा रही है, 1 घंटा हो गया. हाँ नहीं तो. सो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं कल मेरठ जा रही हूँ, तो मम्मी ने मुझसे कहा कि इस बार जब हम जा रहे हैं मेरठ, तो तू एक काम कर, तेरे जितने भी जो कपड़े ऐसे हैं जो तू नहीं पहनती है, और तुझे ये कि अब तुझे पहनने नहीं है वो कपड़े, तो तू उन सारे कपड़ों के एक जगह बना ले, लाइक मतलब उनको एक जगह रख दे, और वो हम ले जाएंगे मेरठ. एक्चुअली मेरठ क्यों ले जाएंगे, क्योंकि खाला मतलब मेरठ के पास गाँव है ना, खाला के जहाँ ससुराल है, तो
उसके पास में ही बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको लाइक हम कपड़े देते हैं तो वो पहन लेते हैं, लाइक मतलब वो पहनते हैं, ठीक है। तो मैंने सोचा कि यार मैं पहनती नहीं हूँ, पता है बहुत सारे कपड़े ऐसे हैं जो रखे रखे गल गए हैं, मेरे लिटरली कपड़े गल गए हैं और मुझे पता चलता है अबे यार ये तो मैंने पहना ही नहीं, तो उसका बहुत गुनाह भी है, ठीक है। क्योंकि हम जो पहनते हैं ना, जो कपड़े हमारे पास हैं और हम उन्हें नहीं पहन रहे हैं, या जो पहन रहे हैं, मतलब हमें हर कपड़े का हिसाब देना पड़ेगा, तो यार जो हम नहीं पहन रहे इससे अच्छा वो कोई और पहने, है ना, वो वेस्ट ही तो हो रहा है। तो मैंने सोचा है कि जो कपड़े मैं नहीं पहनती हूँ या फिर जो मुझे अच्छे नहीं लगते कि चल यार ये नहीं पहन रही, कलर मेरे पे अच्छा नहीं लगता, यही थोड़ा सा टाइट हो गया, तो वो कपड़े मैं अभी कलेक्ट करने वाली हूँ और फिर उसको हम दे देंगे। पहले ऐसा होता था कि लाइक जब मुझे ये बात पता नहीं थी कि कपड़ों का भी हिसाब देना पड़ता और ये गुनाह है, तो मैं क्या करती थी, और अब भी आ क्योंकि इंसान ही हूँ तो दिल वो होता है ना कि लाइक अभी भी मैं सोचती हूँ कि नहीं मुझे नहीं देना ये वाला कपड़ा, मैं बार बार निकालती हूँ फिर बार बार उसे अलमारी में रख देती हूँ, ये सोच के कि नहीं मुझे नहीं देना, मैं पहन लूँगी अभी नहीं तो परसों पहन लूँगी या बाद में पहन लूँगी, बट स्टिल वो पहने नहीं जाते तो वो वेस्ट ही होते हैं। तो आज मैंने सोचा है कि मैं दे रही हूँ। तो अब मैं करने जा रही हूँ सबसे मुश्किल काम, और वो मुश्किल काम है आप लोगों को मेरी अलमारी दिखाना, क्योंकि उससे पता चलता है कि मैं कितनी नालायक हूँ। अगर आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टाइम चल रहा हो ना, मतलब आप परेशान हो कि अबे यार ये क्या हो रहा है, तो ये मेरी अलमारी देख लेना, आपको मोटिवेशन मिल जाएगा कि हाँ इतना ऐसे भी होता है, लोग ऐसे लोग भी होते हैं, हम तो बहुत अच्छे हैं। फिर खुल जा सिम सिम, हाँ ऐसे तो खुलेगी और क्या, जादू ही तो है। सो गाइज देख लो, बट प्लीज़ जज मत करना, मत करना, प्लीज़ मत करना। सो एक अलमारी मेरी ये है और एक अलमारी वो ऊपर वाली है, दोनों को आज खाली करना है, मतलब एक्स्ट्रा जो भी है वो निकालेंगे। तो पहले तो मैं सारे कपड़े निकाल लूँगी क्योंकि ऐसे तो देखना बहुत मुश्किल, अगर तय बनी हुई होती तो फिर समझ में आता कि कौन से कपड़े देने हैं कौन से नहीं। तो अभी पहले इन सबको निकालूंगी, उसके बाद उसमें से मैं कपड़े छाटूंगी। ये इतना कम्फर्टेबल है कि आप यहाँ सो भी सकते हो खड़े खड़े। ओके लेट्स डू इट। बाय द वे ये वैसे भी अलमारी पापा की है, पर ये हत्याई भी मैंने थी। ये देखो ये रहा सारा कपड़ा, सारा कपड़ा, ये रहे सारे कपड़े और बाकी उस अलमारी में, उसका हिसाब किताब बाद में होगा, पहले इसका होगा। कैसा लग रहा है, ये चट्टान सा लग रहा है। तो मैं कह रही हूँ ना, अगर आपको लाइफ में कभी भी अपने बारे में ये लगे कि अबे यार मैं कैसा इंसान हूँ या अबे यार मैं कैसी इंसान हूँ, तो बस इस वीडियो को देख लेना और सोचना कि मुझ जैसे इंसान भी हैं इस दुनिया में, तो आप तो बहुत बेटर हो, सीरियसली बहुत बेटर हो, आपको ना इंस्टेंट मोटिवेशन मिलेगा। तो चलो शुरू करते हैं। जैसे ये वाली जो जीन्स है ये मैंने पहनी है, बट अब मुझे टाइट हो गई है, आती नहीं है, तो मैं ये वाली दे रही हूँ। एक जीन्स जैसे ये है, ठीक है, ये भी मैंने पहनी है, ये मैं चाहूँ तो अब भी पहन लूँ, ये मुझे इतनी पसंद है, लेकिन स्टिल टाइट हो गई है तो पहन नहीं सकती। ये वाली मैंने किसी हिल स्टेशन से ली थी, मुझे याद नहीं आ रहा, मे बी ऊटी से ली थी ये मैंने मम्मी पापा के साथ, ये मैंने जिद कर करके ली थी पता है, और मैंने सिर्फ इसको एक बार ही पहना है, मैंने इसको पहना ही नहीं, और मम्मी बोल रही थी तू नहीं पहनेगी मत ले, बट बिना बात की जिद की ले ली और पहनी नहीं। बट मुझे लगता नहीं है कि गांव साइड में इसे कोई पहनेगा, क्योंकि ये ऐसी वाली जीन्स है तो मुझे नहीं लग रहा इसे कोई पहनेगा, बट मैं ले जा रही हूँ, अगर कोई पहनेगा तो ले लेगा। अब देखो जैसे मेरी ये वाली टी शर्ट है, पता है इसे मैं कब से ढूंढ रही हूँ, और ढूंढते ढूंढते मैं यही भूल गई थी कि मेरे पास है भी, मैं इसे पहनना ही बंद कर दी, मुझे मिली नहीं रही थी, मैं भूल गई थी कि मेरे पास ये भी है, बट अब इतने सारा भंडार जब मैंने निकाला, जब मुझे ये मिली है, तो अब तो मैं इसे पहनूंगी भाई। ये मैं सोच रही हूँ कि मैं दे दूँ क्योंकि पहनती नहीं हूँ, बट मुझे नहीं लगता कि ये कोई पहनेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यहाँ से ट्रांसपेरेंट है, मतलब ये पूरा यहाँ से नेट का है आगे भी और पीछे भी, तो मुझे नहीं लगता कि उस साइड ये कोई पहनेगा, तो इसे देना बेकार ही है बिल्कुल। ये देखो गाइस, ये मुझे जोश की तरफ से मिली थी जब मैं उस पे वीडियोस बनाती थी, मेरे लिए बहुत खुशी का फल था पता है वो, इसे तो मैं किसी को नहीं दूंगी कभी भी। ये टॉप मुझे इतना ज़्यादा पसंद था, इतना ज़्यादा पसंद था पता है, बट ये मुझे टाइट हो गया है, मैंने इसे ज़्यादा पहना भी नहीं, वो इसलिए क्योंकि अलमारी में रख दिया और फिर भूल गई रख के कि ये है भी, ऐसे ही होता है मेरे साथ,
तो इसे मैं पहन ही नहीं पाई आज ज्यादा, और अब पहनती हूँ तो आता ही नहीं है, तो इसको भी हम दे देंगे। इन वाले कपड़ों में से मैंने ये वाले कपड़े निकाल दिए हैं, अब बारी है उस अलमारी की। ये तुसी अलमारी में से इतना सारा निकला है भाई साहब। सेल लगी है, सेल लगी है, सेल लगी है, ले लो ले लो ले लो, 200 में 2, 200 में 2, 200 में 2। ज्यादा सस्ता हो गया ना? नहीं नहीं 500 में 1, 500 में 1, 500 में 1। गाइस देखो मेरे को क्या मिला है, मेरे आई कार्ड्स। ये मेरा जब का आई कार्ड है, जब मैं 11B कह रही हूँ, जब मैं 2nd B में थी। ये टी शर्ट तो मुझे याद भी नहीं है कि मैंने कब ली और कभी पहनी भी या नहीं पहनी, मतलब इसकी कोई मेमोरी है ही नहीं मेरे दिमाग में। इसको भी हम दे देंगे, इसको भी हम दे देंगे, इसको भी हम दे देंगे। यार ये कुर्ता देख रहे हो कितना ब्यूटीफुल इसका प्रिंट है, बट ये देखो कि ये कितू सा है, मतलब मैं इतनी पतली होती थी यार पहले, कितनी पतली थी मैं। इसको भी हम दे देंगे। भाई ये कुर्ता तो मैं भूल ही गई थी यार, लिटरली ये तो मैं पहनूंगी। मम्मा देखो ये वाला कुर्ता देखो कि ये दो या पहन लो। नहीं आपका आ जाएगा तो देख लो बेटा, नहीं आया तो दे दो। ठीक है, ये एक बेचारा बेचारा बच्चा तो मेरे को यही मिल गया, इन्हीं कपड़ों में से इन्होंने एक शर्क छाट लिया। वाओ मासूम बच्चा, तुम ही ले लो ये सारे कपड़े, तुम ही ले लो। गाइस मैं बता रही थी ये जब शीन चला था ना, बहुत ज्यादा ट्रेंड में था, तो मैंने शीन से ये वाला टॉप मंगाया था, इतना प्रीटी टॉप था, बट ये मुझे छोटा साइज आ गया, मैंने एक भी बार नहीं पहना है, तो ये मैं दे रही हूँ। कौन सा पहना कुर्ता सिलवाया था ये मैं दे, चुप हो गए तो मेरे, कुछ नहीं पहना ये मैं दे रही हूँ, ये कोई बच्ची छोटी सी छोटा छोटा बच्चा कोई भी पहन लेगा, है ना मम्मी? हाँ। प्रीटी है ना, बहुत प्यारा, दे दो प्यारा। मम्मा पहन चुकी है, वैसे पहनने का मन नहीं करता, दे दो ये भी दे दो, ये बहुत प्रीटी है, पर सभी प्रीटी है तुम्हारे तो। ये कुर्ता देख रहे हो आप लोग, ये कुर्ता ना मैंने खुद से डिजाइन किया था, पता है, खुद से, ये भी सब कुछ, टैलेंट भी है वैसे मेरे अंदर, है ना। आगे से ये फ्रंट ओपन है, बट अब तो टाइट हो गया होगा, तो मैं किसी को दे ही दूंगी। ये वाली जो ड्रेस है ना, ये भी मैंने खुद से डिज़ाइन की थी, ये पूरा सिंगल पीस ड्रेस है, और इसके साइड में ना कट लगा हुआ है, लाइक मतलब साइड से जो कट आता है ना यहाँ पे ऐसे करके, पर मैं ये भी दे रही हूँ। तो गाइज ये वाले कपड़े हैं जो मुझे लेके जाने हैं, मतलब जो मुझे कपड़े देने हैं, वो इतने सारे हैं, सही कपड़े निकल आया, सारे अच्छे हैं, पता है, पहनने लायक है। जो कपड़े देने हैं उन सबको पैक कर दिया है हमने, पोटली बना दी है। सही बता रही हूँ, जल्दी कर तो लिया सारा काम, लेकिन हालत ख़राब हो गई, बहुत ज़्यादा थकान हो रही है अब तो।